जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वंस अगेन हेलो टू माय ऑल माय व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी और यू कैन से बिजनेस रिसर्च मेथड्स। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज जिसमें अभी हम देखने जा रहे हैं कि रिसर्च की टाइप्स कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। इट इज मैं इसको पढ़ता जाऊंगा साथ साथ और आपके साथ हर रिसर्च की टाइप को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले है अप्लाइड रिसर्च, इट इज आल्सो नोन एज डिसीजनल रिसर्च, ये इसका दूसरा नाम है डिसीजनल रिसर्च। यूज एक्सिस्टिंग नॉलेज एज एन एड टू द सोल्यूशन ऑफ सम गिवन प्रॉब्लम्स आर ए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च क्या है कि आप नॉलेज को किस तरह यूज कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये अप्लाइड है। बेसिकली आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी डिटेल्स भी इन सब टाइप्स की आती जाएंगी लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपके साथ मैं इंट्रोडक्शन ही इनका दूंगा। दूसरी है फंडामेंटल रिसर्च, फ्रीक्वेंटली कॉल्ड बेसिक आर प्योर रिसर्च, दिस इज द सेकेंड नेम, इसको बेसिक रिसर्च भी या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। सीक्स टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज इन अ गिवन एरिया विद नो नेसेसरी इमीडिएट एप्लीकेशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। इसका मकसद क्या है कि आप किसी नॉलेज एक्सप्लोर करते हैं, किसी फील्ड के बारे में मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जबकि इसको इसका मकसद ये नहीं होता कि आप इमीडिएट सोल्यूशन करें। जैसे अप्लाइड रिसर्च मैंने ऊपर बताई, अप्लाइड रिसर्च में यू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम, जबकि फंडामेंटल रिसर्च में आप उस रिसर्च के बारे में मजीद नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस फील्ड के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में मजीद नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो है आपका नॉलेज इजाफा होता है, उस प्रॉब्लम के बारे में मजीद चीजें आपके सामने क्लैरिफाई होती हैं। फिर है फ्यूचरिस्टिक रिसर्च, फ्यूचर और फ्यूचरिस्टिक रिसर्च इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन। ये बेसिकली इन्फर किया जाता है इस रिसर्च में कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, व्हाट कंसिक्वेंसेस आर एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ हाउ दोज कंडीशंस माइट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एक्शंस एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज पॉलिसीज एंड एक्शंस, कि अगर आप कोई खास एक्शन लेते हैं तो उसकी क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, फ्यूचर में हालात कैसे आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये मेडिसिन है फ्लू के लिए, तो फ्यूचरिस्टिक रिसर्च क्या एक्सप्लोर करेगी कि इसको अगर फ्लू के लिए यूज किया जाता है किसी मेडिसिन को तो क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, आया कि फ्लू ठीक हो जाएगा या फ्लू मजीद खराब होने के खतरा खतरा भी अगर है, ठीक है, या ठीक नहीं होगा। सो ये चीजें देखी जाती हैं फ्यूचरिस्टिक रिसर्च में। फोर्थ है सॉरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कुछ सर्वेज होते हैं और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज, ऐसे सर्वेज जिनके जरिए फैक्ट एंड फिगर्स को फाइंड किया जाता है, ठीक है। इट ट्राइज टू डिस्कवर आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ हु व्हाट व्हेन एंड समटाइम्स हाउ, इनके आंसर दिए जाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेज, ठीक है, और हाउ द प्रॉब्लम अराइजेज एंड हाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड और मिटिगेटेड। हेयर द रिसर्चर अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब और डिफाइन अ सब्जेक्ट ऑफन बाई क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑफ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को लिया जाता है और उनको फिर डिस्क्राइब किया जाता है, किन किन क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, हु व्हाट व्हेन और हाउ के इनके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है जी। आगे लेट्स मूव टू टाइप नंबर फाइव, ठीक है। द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एज प्रेजेंट, कि जो जो मामलात हो रहे होते हैं उनको एक्चुअली एक्सप्लेन करना, प्रॉपर डिस्क्राइब करना, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये क्या होती है जी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च गोज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फिनोमिना दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ओनली ऑब्जर्व। ऊपर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी वो तो जस्ट फिनोमेना को जस्ट एक्सप्लोर करती थी, उसको बयान कर देती थी, जबकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या करती है, इट एक्सप्लेन द रीजन वाई अ पर्टिकुलर फिनोमेना इज हैपनिंग, व्हाट आर द अंडरलाइन रीजंस बिहाइंड द पर्टिकुलर रिसर्च एक्शन और रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। द रिसर्च वुड यूज थेरीज
or at least hypotheses to account for the forces that cause a certain phenomena to occur. Explanatory research क्या करती है, उन forces के बारे में बताती है या उन factors के बारे में बताती है जिन्होंने किसी खास phenomena को occur होने में help out किया, या which became the reason for some particular phenomena to happen. ठीक है, सो ये एक्सप्लेन कर रही होती है reasons. जैसे सर्दी में अगर हम जाएंगे तो आपको फ्लू हो जाएगा, तो ये एक्सप्लेन करेगी reasons को कि सर्दी है, ठंडा पानी पिया या ठंडी हवा लग गई, सो इट caused योर बॉडी टू जनरेट फ्लू, तो इसने आपकी बॉडी को फ्लू दिया. ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ. अभी प्रिडिक्टिव रिसर्च के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आएंगे. आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच.